नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। औरैया जनपद की अजीतमल पुलिस पर एक व्यापारी को कटीले तारों से मारने का आरोप लगा है। मुरादगंज निवासी पीड़ित सराफा व्यवसायी अभिषेक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि रविवार को वह अपने मित्रों योगेश राठौर व शिशुपाल के साथ खाना बना रहे थे। इसी बीच मुरादगंज चौकी पर तैनात सिपाही केशव व गोपाल दुबे वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच सिपाहियों ने अभिषेक के हाथ पर कटीले तार से हमला कर दिया, जिससे हाथ कई जगह से फट गया। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पहले कभी दुकान बंद करने में देरी हो गई तो इन दोनों सिपाहियों ने आकर धमकाया, यहां तक कि देर से दुकान बंद करने पर पैसों की भी मांग की। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो आज दोनों सिपाहियों ने उन लोगों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। कटीला तार से मारने से उसका हाथ कई जगहों से फट गया। इस संबंध में सीओ अजीतमल प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने जांच की तो बताया गया कि चौकी इंचार्ज मुरादगंज को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाड़े में जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पहुंचे सिपाही को देखकर लड़के भागे, जो कटीले तार में उलझ गए, जिससे उसको चोटें आई हैं। फिर भी पुलिस पर आरोप मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक कुमार मुरादगंज के निवासी हैं, केशव और गोपाल मुरादगंज चौकी के हैं। उन्होंने साहब हम लोग खाना बना रहे थे, उन्होंने मारा। हम अभिषेक कुमार और एक लड़का है योगेश राठौर, दूसरा लड़का है एक और उसका नाम क्या, एक का शिशुपाल नाम है। हम तीन लोगों को मारा साहब। हमें जब उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने हमें कटीला वाला तार मार दिया, जिससे मेरा हाथ फट गया है। किस वजह से? किस बात को लेकर? अरे भैया ऐसा था, 7 बजे के बाद दुकान खोल लेते थे, कभी कभी खुल गई, टाइम 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो गया, तो उस पर उनसे बहस हो गई थी। फिर वो पैसे ऐसे मांगने लगे तो पैसे ऐसे दिए नहीं। आज उन्होंने खाना बनाते पकड़ लिया, वो कह रहे थे कि तू बहुत रंगबाज बनता है, इस वजह से मारा साहब। क्या नाम है जिन्होंने आपको मारपीट किया? गोपाल दुबे, केशव, केशव। क्या है ये? सिपाही हैं। कहाँ पे पोस्ट हैं ये? मुरादगंज चौकी। आप कहने का काम करते हो? सुनारी का साहब। एक लाइट का काम करते हैं और एक लड़का वो दुकान पे नौकरी करता है। सिपाही द्वारा एक दुकानदार की मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसमें मेरे द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, चौकी इंचार्ज और अन्य सिपाहियों से बात की गई, जिसमें चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया कि हम लोग गश्त पर थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि कहीं पर एक स्थान पर जुआ हो रहा है, हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही उन लोगों को किसी तरह से जानकारी हो गई, जिससे वो भागे, और भागने से एक लड़का जिसके हाथ में तो कटीले तार से चोट लग गई, जिससे क्योंकि वहाँ कटीला तार किनारे बाउंड्री के पास में लगा हुआ था। प्रथम दृष्टया इसमें किसी सिपाही द्वारा मारपीट नहीं की गई है। अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे द्वारा इसमें जांच की जा रही है। अगर ये सत्य पाया तो उसके खिलाफ, सिपाही के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।